हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है और इसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, ट्रेडमार्क इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, स्लोगन्स, फोटो, लोगो और ग्राफिक्स। मतलब एक डिस्टिंग्विश टाइप का आपने अपने व्यापार को नाम दिया या अपने प्रोडक्ट को कोई नाम दिया और उस प्रोडक्ट को आपने मार्केट में बेचा। देखिए, ट्रेडमार्क अप्लाई करने से या रजिस्टर कराने से क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि कोई दूसरा आदमी वो प्रोडक्ट उस ट्रेडमार्क से नहीं बेच सकता। अब अगर आपको क्या ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना कंपलसरी है? नहीं, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको फायदा क्या होता है? अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया है तब भी राइट टू फर्स्ट यूज का क्लेम आप कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं सन 1975 से इस ट्रेडमार्क को यूज कर रहा था, पर उसके लिए आपको सबूत दिखलाना पड़ेगा, और ये सबूत दिखलाना कि सन 1975 से आप इस ट्रेडमार्क को यूज कर रहे थे बहुत मुश्किल होगा, आसान काम नहीं होगा। फिर आपका प्रोडक्ट किस जियोग्राफिकल एरिया में काम कर रहा था? मान लीजिए आप बरेली में और दिल्ली में अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो जयपुर में अगर कोई दूसरा आदमी बेच रहा है वो प्रोडक्ट, तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रेडमार्क का राइट नहीं मिलेगा, जयपुर में नहीं मिलेगा। आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि आप जयपुर में भी उसी ट्रेडमार्क से वही प्रोडक्ट बेच रहे थे और उससे पहले से बेच रहे थे। लेकिन अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको ये दोनों बातें साबित नहीं करनी पड़ेगी। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, बस अब आपका राइट टू फर्स्ट यूज है, एस्टेब्लिश्ड। तो ये बेनिफिट है ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने का। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर ना कराने का क्या नुकसान दूसरा एक और है? जैसे आप कभी दिल्ली में पराठे वाली गली में गए होंगे, वहां पर शुरू में एक आदमी ने पराठे बेचना शुरू किए थे और वो बहुत फेमस हो गया, और उसके बाद जब आप वहां जाते हैं गली में तो देखते हैं कि उसी नाम से कई 10-12 ढाबे खुले हुए हैं और सब अपने आप को ओरिजिनल क्लेम करते हैं। अब आपको नहीं मालूम कि असल कौन है, कोई भी बताने को तैयार नहीं होगा, सब अपने अपने कॉम्पिटिटर बैठे होंगे वहां पर। तो अल्टीमेटली आप किसी भी पराठे को खाके, पराठे वाली गली में जाके खाके आएंगे। दूसरी चीज, जैसे कि हमारे यहां बरेली में छोटेलाल चाट वाला है या चमन चाट वाला है, बहुत फेमस हो गए अपने प्रोडक्ट, अपनी क्वालिटी की वजह से। लेकिन कल को अगर उसी ठेले के बराबर में कोई दूसरा चमन चाट वाला लगा ले ठेला, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोग भूल जाएंगे कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है, और हो सकता है कि उसके नाम का, उसके काम का, उसकी मेहनत का फायदा दूसरा वाला आदमी उठा ले। अब आप देखिए, हल्दीराम आपने सुना होगा। हल्दीराम ने जब वो फेमस हुआ नमकीन के मामले में, तो उन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया, और आज पूरे देश में क्या विश्व में भी हल्दीराम का नाम नमकीन के रूप में फेमस है, और वो जगह जगह और लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। तो कोई भी और आदमी उस प्रोडक्ट को हल्दीराम के नाम से नहीं बेच सकता, वो अपने नाम से किसी एक्स वाई जेड के नाम से तो बेच सकता है, पर हल्दीराम का नाम यूज नहीं कर सकता। तो आज देखिए, वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मतलब पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है, केवल उस ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि वो ट्रेडमार्क उनका फेमस हुआ और उसको वो किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ किप्स मिठाई में भी यही हुआ। किप्स की मिठाई एक बार फेमस हुई और उसके बाद उन्होंने उसको ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा लिया, और उसके बाद उस ट्रेडमार्क को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनकी गुडविल से रिलेट कर गया वो, उस गुडविल का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। ये तो हुई बात कि ट्रेडमार्क क्या होता है और उसके क्या फायदे नुकसान होते हैं रजिस्टर कराने के अथवा नहीं कराने के। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर कैसे कराया जा सकता है। देखिए, ट्रेडमार्क को रजिस्टर ऑनलाइन भी कराया जा सकता है, और ऑनलाइन साइट पे जाकर आप अपने आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं कि कोई भी आम आदमी उसको अप्लाई करने में अपनी पूरी जी जान लगा देगा, तब कहीं जाके वो अप्लाई कर पाएगा। बहुत सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपको डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए, पर्टिकुलर फॉर्म का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, आपको पहले अपनी साइट बनानी पड़ेगी, अपना रजिस्टर करना पड़ेगा वहां पर, उसके बाद कहीं जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए इट इज बेटर टू टेक असिस्टेंस ऑफ ए लॉयर जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, जो इस काम में एक्सपर्ट है। कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें, और अगर आप इंडिविजुअल नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो 4,500 रुपए की उसमें फीस जाती है, और 3,000 रुपए लॉयर अपनी खर्च
खर्चा और फीस लेते हैं, 7,500 में इंडिविजुअल नाम से अप्लाई हो जाती है। जहां तक फर्म या इंस्टीट्यूशन का सवाल है, उनके नाम से 12,000 रुपए में या 12,500 या 13,000 रुपए में अप्लाई हो जाता है। तो उस 13,000 रुपए की फीस में 10,000 रुपए गवर्नमेंट के चार्जेस इंक्लूडेड है। तो अल्टीमेटली लॉयर का जो खर्चा है वो 3,000 रुपए है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी ट्रेडमार्क, विच इज नॉट वेरी मच, बहुत हाई नहीं है। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाकर या मैनुअली जाकर आपको यह सर्च करना पड़ता है कि जो ट्रेडमार्क आप लेना चाहते हैं, लोगो या उसका कॉम्बिनेशन, वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी ने पहले से अप्लाई तो नहीं कर रखा है या कहीं उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट तो नहीं हो गया है। अगर किसी और के नाम से वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या अप्लाइड है, तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि आप अपने ट्रेडमार्क को स्लाइटली चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये कंटेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन केस ऑफ एप्लीकेशन बाय अदर कि ये ट्रेडमार्क आप पहले से यूज कर रहे थे। इट्स बेटर टू मॉडिफाई आवर ट्रेडमार्क, और इस काम में हम आपकी मदद करेंगे कि किस तरह से मॉडिफाई करना उचित होगा, क्या चीज आप करेंगे तो किस तरह से उसका एप्लीकेशन होगा। फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा उसमें वहां पर कि किस कैटेगरी में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा। जो वेबसाइट है या जो प्रोसीजर है इंडिया में, उसमें एज मच एज 45 कैटेगरीज हैं। तो 45 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में आप ले रहे हैं या दो कैटेगरी में ले रहे हैं, किस में आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, वो कैटेगरी आपको वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। इस काम में भी हम आपकी मदद करेंगे कि क्या कैटेगरी कौन सी हो। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आपसे फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो जाता है। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर जो अलॉट होता है, उसके दो पर्पज होते हैं। एक तो ये कि आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, ये जानने के लिए। दूसरा इस पर्पज से कि आप अपने प्रोडक्ट के आगे अब TM लिख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आगे लोगो या प्रोडक्ट्स का जो नाम होता है उसके आगे TM लिखा होता है। TM का मतलब ट्रेडमार्क अप्लाइड, और अगर रजिस्टर्ड है तो उसके आगे REGD लिखा होगा, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। सो देयर आर टू प्रोसीजर्स, वन इज ट्रेडमार्क अप्लाइड, वन इज ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन प्राइम फेसाई एक्सेप्ट हो जाती है, तो दैट विल बी सेंड फॉर वियना कोडिफिकेशन। वियना कोडिफिकेशन जब हो जाता है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने में आप उस ऑर्डर के या तो मान सकते हैं या उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। हम उसमें भी आपकी मदद करते हैं। वो अपील करने की फीस और चार्जेस अलग होते हैं डेफिनेटली हियरिंग के। और इस टोटल जो काम है ट्रेडमार्क का, जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें टोटल पीरियड करीब 2 साल लग जाते हैं। तब तक आप TM लिख के अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच।